जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। और आज के इस वीडियो में हम आज़ाद भारत से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज़ादी के बाद में जो हमारा भारत रहा है उससे संबंधित प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो क्विज है वह भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, तो ऐप के ऊपर जा करके आप इसके क्विज भी दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का भारत में पहली बार आयोजन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रमंडल यानी कि बात हो रही है कॉमनवेल्थ गेम्स की, और इसका पहली बार आयोजन भारत में किया गया था वर्ष 2010 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और 2010 में यह राष्ट्रमंडल खेलों का 19वां संस्करण था, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। 3 से लेकर के 14 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था, और मुख्य आयोजन यानी कि जो इस खेल का मेन इवेंट था उसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। आज़ाद भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो आज़ाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब KM करियप्पा जी के बारे में आपको कई सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि 15 जनवरी 1949 को ये स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, और इसीलिए हम लोग 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके अलावा इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 5-स्टार फील्ड मार्शल का पद प्राप्त करने वाले ये भारतीय सेना के पहले अधिकारी थे। अभी तक 2 लोगों को 5-स्टार फील्ड मार्शल का पद मिला है, जिनमें से एक हमारे हैं KM करियप्पा जी और दूसरे हैं सैम मानिक शाह। तो इन दोनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हालांकि 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में ये स्थापित हुआ था, लेकिन हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ये कब बना था? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। और आपको यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम भी याद रखना है, जो कि है हीरा लाल जे कानिया, यानी कि ये हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या होती है 34, जिनमें से 33 हमारे न्यायाधीश होते हैं और एक हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको नीचे कमेंट में बताना है कि हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या होती है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। आज़ाद भारत में पहली बार किस वर्ष सामान्य चुनाव का आयोजन हुआ था? सामान्य चुनाव यानी कि बात हो रही है जनरल इलेक्शन की, और जनरल इलेक्शन का मतलब होता है जो हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो सबसे पहली बार इनका आयोजन किया गया था 1951-52 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक ये चला था। कुल मिलाकर उस समय हमारे लोकसभा में 489 सीटें थी, और कांग्रेस ने यहाँ पर 489 में से 364 सीटें अकेले जीती थी, और उस समय हमारे PM बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि 1 अप्रैल 1935 को ये स्थापित किया गया था, लेकिन 1949 को ये राष्ट्रीयकृत किया गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मुख्यालय इसका है मुंबई में। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब 1935 में स्थापित हुआ था उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ पर? मुंबई में 1937 में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। 18 अगस्त 1951 को भारत के पहले IIT के रूप में
किस आईआईटी का उद्घाटन किया गया था, यानी कि हमारे देश की पहली आईआईटी कौन बनी थी। तो आईआईटी खड़गपुर, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, यह भारत का पहला आईआईटी संस्थान था। तो ये आपको याद रखना है। योजना आयोग, यानी कि बात हो रही है प्लानिंग कमीशन की, तो इसका गठन किस वर्ष किया गया था। तो प्लानिंग कमीशन, इसका गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, वह हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी और ये चली थी अप्रैल 1951 से 1956 तक। योजना आयोग के बारे में आपको ये याद रखना है कि इसे समाप्त कर दिया गया था और इसका स्थान अब ले लिया है नीति आयोग ने। 4 अगस्त 1956 को भारत की पहली परमाणु भट्टी, जिसका नाम है अप्सरा, तो इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया था मुंबई में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका निर्माण यूनाइटेड किंगडम की सहायता से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया था, जिसे हम लोग बार्क के नाम से जानते हैं। तो बार्क के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से अप्सरा नाम की भारत की पहली परमाणु भट्टी का उद्घाटन मुंबई में किया गया था। 4 मार्च 1966 को पीएम लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हुई। तो ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा, जो ताशकंद है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, जो कि मध्य एशिया का एक देश है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये यहाँ पर ताशकंद सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुँचे थे। भारतीय जीवन बीमा निगम, बात हो रही है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारतीय जीवन बीमा अधिनियम के द्वारा 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? M.R. कुमार जी। भारत में पहली बार आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बार जो आपातकाल है वह लागू किया गया था 1962 में। और 1962 में क्यों लागू हुआ था? क्योंकि उस समय चीन ने भारत के ऊपर कर दिया था हमला और उसी के कारण पहली बार आपातकाल को लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है और स्वतंत्र भारत में कुल मिलाकर के 3 बार इसकी घोषणा की जा चुकी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बार 1962 में हुआ था, फिर पाकिस्तान के समय जब युद्ध हुआ था 1971 में तब हुआ था, और 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय भी ये आपातकाल लागू हुआ था। भारत ने किस वर्ष स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम के साथ पहली बार सफलतापूर्वक नाभिकीय परीक्षण किया था? तो ये नाभिकीय परीक्षण भारत ने किया था 1974 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो राजस्थान, जो कि हमारा एक स्टेट है, इसमें आपको मिलेगा पोखरण, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। वहाँ पर 18 मई 1974 को ऑपरेशन शक्ति के तहत टेस्टिंग की गई थी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्माइलिंग बुद्धा ये इसका कोड नेम था, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था और ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। और इसके बाद में फिर ये परीक्षण हुआ था 1998 में। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उस वीडियो में आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार ने भारत ने बहुत ही चतुराई के साथ में 1998 वाला परीक्षण किया था। किस क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया था? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय दो देश बन गए थे, एक था पाकिस्तान, एक हमारा था भारत, और जो हमारे यहाँ पर स्टेट थे उनको ये अधिकार दिया गया था कि या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर भारत में शामिल हो जाएं। तो कई सारे ऐसे स्टेट थे जो शामिल नहीं होना चाहते थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया। तो हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और उस समय हैदराबाद के जो आखिरी निजाम थे, जिनका नाम था ओस्मान अली खान, इन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, यानी कि हम आज़ाद एक देश रहेंगे और हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। इसीलिए भारत की पुलिस के द्वारा सितंबर 1948 में हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था।
भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिल जाएगा और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवन। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघदूत संबंधित है 1984 के सियाचिन पर भारत के अधिकार को लेकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था और उसके बाद में जो सियाचिन आपको मिलेगा जम्मू और कश्मीर में, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेघदूत, इसकी अगुवाई की थी हमारे पश्चिमी कमान के कमांडर इन चीफ प्रेमनाथ हूं ने। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS विक्रमादित्य, यानी कि इंडियन नेवल शिप विक्रमादित्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये जो हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका निर्माण रूस की ब्लैक सी शिपयार्ड और सेव मैस के द्वारा बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत के पास में एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक हमारा है INS विक्रांत, जिसका निर्माण केरल के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। तो पहला हमारा INS विक्रमादित्य है और दूसरा अभी बन रहा है। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे सी राजा गोपालाचारी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और सी राजा गोपालाचारी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि 21 जून 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। और जब भारत रत्न पहली बार दिया गया था तो उनमें से ये भी एक व्यक्ति थे जिनको पहली बार भारत रत्न मिला था। और आपके लिए यहाँ पर ये प्रश्न है कि सी राजगोपालाचारी जी के साथ में अन्य किन लोगों को भारतीय रत्न दिया गया था, वह आपको नीचे कमेंट में लिखना है। इनके बारे में आपको एक दो पॉइंट और ध्यान रखना है, जैसे कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य के ये पहले राज्यपाल भी थे और इनके द्वारा 4 जून 1959 को स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं सी राजगोपालाचारी जी के बारे में, ये भी आपको याद रखना है। ऑपरेशन जिब्राल्टर भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष के युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात करते हैं तो ये संबंधित है 1965 के युद्ध से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगस्त 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उसी दौरान ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया था। और बाद में सितंबर 1965 में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी चलाया गया था, क्योंकि ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया था। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों ऑपरेशन हैं, यानी कि ऑपरेशन जिब्राल्टर या जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ये दोनों संबंधित हैं भारत और पाकिस्तान के बीच के 1965 के युद्ध से। चुसूल युद्ध में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो चुसूल युद्ध है, इसे हम लोग रजांग युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि रजांग पास के पास इस युद्ध को किया गया था भारत और चीन की सेना के बीच में, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था मेजर शैतान सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें उस समय मेजर शैतान सिंह जी के पास में मात्र 123 सैनिक थे और इन 123 सैनिकों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध लड़ा था और यहाँ पर चीन के 1,000 सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि 123 में से 111 या 12 लोगों की डेथ भी हो गई थी, मेजर शैतान सिंह की भी डेथ हो गई थी इस युद्ध में। तो आपको ध्यान रखना है, चुसूल युद्ध में भारत का प्रतिनिधित्व मेजर शैतान सिंह ने किया था। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, बात हो रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है और अध्यक्ष वर्तमान में है जी सतीश रेड्डी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थीं और इन्हें कौन सा मंत्रालय मिला था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय इन्हें मिला था
और 1947 से लेकर के 1957 तक ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थीं। और जब हमारे भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसकी ये एक सदस्य भी थी, अध्यक्ष नहीं, ये एक सदस्य थी। तो ध्यान रखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आपको पता होगा कि ये नीदरलैंड के द हेग में स्थित है और इसके पहले भारतीय न्यायाधीश थे बीएन राव जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 1952-53 में द हेग में जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया था। यहाँ पर आपको एक नाम ध्यान रखना है, आर एस पाठक जी का। आर एस पाठक जी का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश रहे हैं, इसके अलावा ये भारत के 18वें मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो आपको आर एस पाठक जी का नाम भी यहाँ पर ध्यान रखना है। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो जनगण मन ये भारत का राष्ट्रगान बना था 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और किसने इसे लिखा है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे लिखा गया था। और जनरली जो हमारा जनगण मन राष्ट्रगान है इसे गाने में समय लगता है 52 सेकंड का। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार इसको गाया कब गया था? तो ध्यान रखिएगा 27 दिसंबर 1911 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, तो वहाँ पर इससे पहली बार सुनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं लंबी नदी की या भारत की सबसे बड़ी नदी की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है गंगा, लेकिन भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह जो नदी है वह तिब्बत यानी कि जो चीन का इस समय हिस्सा है वहाँ पर अंगसी या फिर चेम युंग डंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिनमें से 1700 किलोमीटर तिब्बत में है यानी कि चीन में है, 900 किलोमीटर आपको भारत में मिलेगा और 300 किलोमीटर ये है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी औसत चौड़ाई है 5.4 किलोमीटर यानी कि इतने डिस्टेंस में ये बहती है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? बात हो रही है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा लखनऊ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और MD हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। भारत द्वारा पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी के नाम पर इसका नाम रखा गया था और इसे लॉन्च किया गया था 1975 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी पहली सैटेलाइट थी इसको हमने रूस के सहयोग से लॉन्च किया था 1975 में। तो ये आप देख सकते हैं आर्यभट्ट सैटेलाइट को। भारतीय रेलवे किस वर्ष राष्ट्रीयकृत हुआ था यानी कि कब ये नेशनलाइज हुआ था? क्योंकि इससे पहले इसका संचालन प्राइवेट प्लेयर के द्वारा किया जा रहा था और फाइनली जाकर के जनवरी 1951 में ये राष्ट्रीयकृत हो गया था यानी कि भारत सरकार के अधीन हो गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वैसे हमारे यहाँ पर रेलवे मंत्रालय की जो स्थापना है वह मार्च 1905 में हुई थी। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई पहले हमारे रेल मंत्री थे। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसकी स्थापना शिव रमन समिति के सुझाव पर किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शिव रमन समिति के सुझाव पर इसे स्थापित किया गया था। इसका पूरा नाम है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, रूरल यानी कि ग्रामीण, डेवलपमेंट यानी कि विकास बैंक ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो ये इसका नाम है, मुख्यालय इसका है मुंबई में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष बन गए हैं GR चिंतला। 13 जनवरी 1970 को लॉन्च ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन फ्लड की, तो ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
भारत में 13 जनवरी 1970 को दूध की कमी को पूरा करने के लिए यानी कि भारत को दूध के उत्पादन में अग्रणी देशों की सूची में शामिल करने के लिए ऑपरेशन फ्लड या फिर जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं इसको चलाया गया था और वर्गीस कुरियन जो कि अमूल कंपनी के संस्थापक हैं इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर अगर आपसे जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा जाता है तो उत्तर होगा आपका उत्तर प्रदेश, लेकिन बात हो रही है एरिया वाइज, तो एरिया वाइज हमारे यहाँ का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राजस्थान सबसे बड़ा है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पे है महाराष्ट्र। वहीं पर अगर हम लोग जनसंख्या में बात करते हैं तो यूपी पहले पे है, महाराष्ट्र दूसरे और बिहार है तीसरे स्थान पर। आज़ादी के बाद भारत में पहली बार नोटबंदी कब हुआ था, तो आज़ादी के बाद भारत में पहली बार नोटबंदी हुआ थी 1978 में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सबसे पहली बार नोटबंदी हुई थी 1946 में, उस समय 500, 1000 और 10000 के नोट जो थे उनको बंद किया गया था। फिर हुआ था आपका 16 जनवरी 1978 को, उस समय 100 रुपये से ऊपर के जो भी नोट थे उन सभी को बंद किया गया था। और फिर आपका प्रेजेंट टाइम में हुआ है 2016 में, जब 5000 और 1000 के नोट को बंद किया गया था। तो आज़ाद भारत में पहली बार हुआ था 1978 में। इनमें से भारत के कौन से प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं यानी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी उन्होंने काम किया है, तो ये हमारे हैं मनमोहन सिंह जी, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 15 सितंबर 1982 से 15 जनवरी 1985 तक भारत के ये 15वें गवर्नर रहे हैं और दो बार ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसरो, बात हो रही है यहाँ पर हमारे स्पेस एजेंसी की, तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई जी, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विक्रम साराभाई जी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ का पूरा स्पेस प्रोग्राम है उसके जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई जी। और इसरो के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, बात हो रही है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल की, तो इसे कब लागू किया गया था, तो इसे लागू किया गया था 24 जुलाई 1991 को, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बस आपको यहाँ पर ये डेट याद रखनी है, उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पीबी नरसिम्हा राव जी और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी। इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल मतलब आप ये ध्यान रखिएगा कि 1991 के पहले तक जो भी हमारे यहाँ पर उद्योग होते थे या जो भी अन्य किसी प्रकार के अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कार्य होते थे उन पे ज़्यादा नियंत्रण होता था सरकार को। अब यहाँ पर इसे अन्य देशों की कंपनियों के लिए या फिर हमारे देश में जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनके लिए ओपन कर दिया गया था यानी कि मार्केट को खोल दिया गया था, तो ये हुआ था 24 जुलाई 1991 को। महात्मा गांधी जी की छवि को किस वर्ष भारत की करेंसी नोट पर मुद्रित किया गया, तो ये मुद्रित किया गया था 1996 को, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसकी शुरुआत हुई थी 10 और 500 रुपये के नोट से, तो ध्यान रखिएगा 1996 में गांधी जी हमारे नोट पर आ गए थे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा हमारे भारत का बांध है हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में महानदी के ऊपर बना हुआ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो मुख्य बांध है उसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर, तो आपको ध्यान रखना है हीराकुंड बांध महानदी पे है और उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, बात हो रही है एटॉमिक पावर प्लांट की, तो ये किस राज्य में स्थापित किया गया, तो ये जो पावर प्लांट है ये स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। महाराष्ट्र में आपको मिलेगा तारापुर, वहाँ पर 28 अक्टूबर 1969 को इसे स्थापित किया गया था। यहाँ पर आपको कुल 4 इकाइयाँ मिलेंगी, इनमें से 2 इकाइयाँ 160 मेगावाट की हैं और बाकी की 2 इकाइयाँ 540 मेगावाट की हैं, तो ये आपको याद रखना है। भारत सरकार ने किस वर्ष एशियाई हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया, तो भारत सरकार के द्वारा 2010 में इसे राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया था, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो एशियाई हाथी होते हैं
मुख्य रूप से ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे भारत हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर आप चले जाइए मलेशिया में, थाईलैंड में या फिर इंडोनेशिया में, तो यहाँ पर भी एशियाई हाथी पाए जाते हैं। इनके बारे में आपको दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। एक तो यह है कि IUCN, जिसे हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं, इसकी रेड लिस्ट में इनडेंजर्ड कैटेगरी में है और इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफेस मैक्सिमस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। पहला एशियाई खेल किस वर्ष भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था? तो हमने पहले प्रश्न में बात की थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में आयोजित किया गया था और वो था 19वां संस्करण। लेकिन जो हमारा पहला एशियाई खेल हुआ था वह हमारे देश में ही आयोजित किया गया था 1951 में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 4 से लेकर के 11 मार्च 1951 तक ये चला था और ये भारत के लिए काफ़ी बेहतर भी रहा था, क्योंकि भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर के 15 स्वर्ण, 16 रजत और 20 कांस्य पदक जीते थे और वहीं पर जापान के बाद में भारत इस तालिका में रहा था दूसरे स्थान पर, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर भारत और पाकिस्तान के किस वर्ष के युद्ध से संबंधित है? तो ये जो ऑपरेशन सफ़ेद सागर है ये संबंधित है 1999 के कारगिल युद्ध से, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1999 में एक बार फिर से पाकिस्तान हमसे हारने के लिए आया था और उस समय भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया जो अभियान था उसका नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। कारगिल युद्ध मई से जुलाई 1999 तक हुआ था और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी, इनका नाम है कमलजीत सिंह संधू, कमलजीत संधू, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कमलजीत संधू जी की, तो 1970 में जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक वहाँ पर एशियाई खेल हुआ था और इस खेल में 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इसीलिए 1971 में पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता है वह किस वर्ष किया गया था? तो शिमला समझौता जो है वह आपका हुआ था 1972 में। डेट की अगर हम लोग बात करें तो डेट थी 2 जुलाई 1972 की। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भारत ने बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराया था, तो उसी के बाद में जो भारत ने पाकिस्तान के हिस्सों पर कब्जा कर लिया था या जो फिर प्रिजनर ऑफ वार थे यानी कि युद्धबंदी थे उन सभी को लेकर के ये समझौता भारत की उस समय की PM इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में हुआ था। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत और पाकिस्तान के किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की बात करते हैं तो ये संबंधित है 1971 के युद्ध से, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसके अंतर्गत भारतीय सेना के द्वारा जो पाकिस्तान का कराची बंदरगाह है उसके ऊपर आक्रमण किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 के युद्ध से संबंधित है। भारतीय रुपये का जो आधिकारिक प्रतीक है इसे किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आप देख सकते हैं आधिकारिक प्रतीक को और इसे लागू किया गया था 2010 में और इसे बनाया किसने था? तो IIT गुवाहाटी के एक हमारे प्रोफेसर थे उदय कुमार जी, इन्हीं के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था। भारत में पहली बार किस वर्ष बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? और ये जब राष्ट्रीयकरण किया था जो कांग्रेस पार्टी की उस समय की PM थी इंदिरा गांधी जी ने, तो उस समय कांग्रेस के काफ़ी सारे लोगों ने विरोध किया था, कांग्रेस दो भागों में बंट भी गया था, तो ये इन्होंने किया था 19 जुलाई 1969 को, तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 को किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर डी फिलहाल करेक्ट होगा। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किन किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत ने किस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की निम्न कक्षा में सैटेलाइट को गिराने की क्षमता का परीक्षण किया था? तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
और ये परीक्षण भारत ने किया था 2019 में उड़ीसा के बालासोर से, और इसके बारे में पीएम के द्वारा घोषणा की गई थी। और अमेरिका, रूस और चीन के बाद में भारत स्पेस युद्ध की क्षमता को डेवलप करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। भारत द्वारा नौवहन सैटेलाइट जिसका नाम है IRNSS-1A, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 2013 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नौवहन सैटेलाइट का मतलब यह होता है जैसे GPS है कहाँ का, अमेरिका का, उसी प्रकार से भारत का अपना नौवहन सैटेलाइट है। इसे जुलाई 2013 में लॉन्च किया गया था और इसे हम लोग इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जानते हैं। बाद में इसका नाम चेंज भी किया गया था, नाम था इसका नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, तो ये इसका एक और नाम भी है। भारत की पहली बहुतरंग दैर्घ्य टेलीस्कोप जिसका नाम है एस्ट्रोसैट, यह एक मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप थी। तो इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 28 सितंबर 2015 को PSLV-C30 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। भारत के द्वारा संचार सैटेलाइट जिसका नाम है INSAT-1A, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया था 1982 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। INSAT का पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और इसे इसरो ने नासा की मदद से लॉन्च किया था, नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, गैलीलियो वैश्विक नौवहन सैटेलाइट प्रणाली किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च की गई थी? तो इसे लॉन्च किया गया था ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इसमें कुल मिलाकर के 30 सैटेलाइट हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से स्टैटिक GK की सबसे बेहतर वीडियो मिला करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।